यस हेलो स्टूडेंट, अब अपन आज चैप्टर में माइक्रोवेव के माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अपने पहले आज तक माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की थी, माइक्रोवेव के प्रोपोगेशन के लिए वेवगाइड, रेजोनेटर स्टोरेज सिग्नल्स के लिए और उनका कपलिंग करने के लिए फेराइट कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। आज अपन उस फील्ड की ओर जा रहे हैं जहाँ माइक्रोवेव सिग्नल्स का जनरेशन जनरेटर के रूप में या एम्पलीफिकेशन के रूप में यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट और एम्पलीफाइड कैसे किया जाता है, तो वो डिवाइसेज जिनके द्वारा माइक्रोवेव सिग्नल का प्रोड्यूशन किया जाता है, जिनका एम्पलीफिकेशन किया जाता है, तो उस टाइप के डिवाइसेज को अपन माइक्रोवेव ट्यूब के नाम से जानते हैं। माइक्रोवेव ट्यूब्स कितने टाइप की होती है, ऑन द डिफरेंट टाइप बेसिस आर डिफाइंड इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो बेसिस के ऊपर है कि अपने पास मेन जो इसका ऑपरेशन होता है, माइक्रोवेव ट्यूब का मेन जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो होता है स्पेस चार्ज इंट्रैक्शन या ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम इंट्रैक्शन, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बीम को इंजेक्ट करवाया जाता है, हाईली एक्सेलरेटेड करवाया जाता है, उस यूनिफॉर्मली मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेस चार्ज करंट के फॉर्म में एज्यूमिंग की जाती है, उसका अपन एक्शनली फील्ड से इंट्रैक्शन करवा के मॉड्यूलेशन करवा के अपने पास हाई पावर की ईएम वेव या माइक्रोवेव का जनरेशन करवाया जाता है। मतलब ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के बेसिस पर अपन यहां पर माइक्रोवेव सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन और जनरेशन करते हैं। इस मेथड के बेसिस पर अपने पास उस स्पेस चार्ज जो अपने ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम चार्ज है उसकी स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्रिलियंट फ्लो करने के लिए, ब्रिलियंट फ्लो का मतलब होता है 1-to-1 अपटर, नॉट डिफ्लेक्ट इन परपेंडिकुलर लीनियर टू डायरेक्शन। तो मतलब उसकी फॉक्सिंग कह सकते हैं कि फाइनाइट बीम प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कि अप्लाइड डायरेक्शन के बेसिस पर कि एक ऐसी ट्यूब्स होती है माइक्रोवेव जिन पर अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलोंग टू ट्रेवलिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, कॉन्साइड टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज नॉन द ओ टाइप ट्यूब्स। दिस इज ए क्लेस्ट्रॉन ट्रेवलिंग यू ट्यूब, ये ओ टाइप ट्यूब्स हैं। ओ टाइप ट्यूब्स में क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्साइड अलोंग एक्सियल ऑफ द ट्यूब, एक्सियल डायरेक्शन में होता है, और जिनमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है, वो होती है एम टाइप ट्यूब से मैग्नेट्रॉन। तो अपने पास ओ टाइप और पी सॉरी एम टाइप दो टाइप की माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। सिंपल सा मीनिंग है ओ टाइप ट्यूब के अंदर, हाँ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का अपन ट्रांजिट टाइम इफेक्ट में इंट्रैक्शन करा के उसको मॉड्यूलेटेड करा के हाई पावर सिग्नल्स का एम्पलीफिकेशन या इंड्यूशन करते हैं जो माइक्रोवेव सिग्नल्स की रेंज में होते हैं। तो ओ टाइप में बीम फॉक्सिंग के लिए मतलब ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम के चार्ज को ब्रिलियंट फ्लो के लिए, मतलब अपन उसका लीनियर फ्लो के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल या अलोंग टू प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम होता है, उस टाइप की ट्यूब को अपन ओ टाइप ट्यूब कहते हैं, क्लेस्ट्रॉन इसका एग्जांपल है। एम टाइप ट्यूब में क्रॉस फील्ड जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस लीन जो अपने पास ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम है जो इंट्रैक्शन कर रही है उसके परपेंडिकुलरली क्या किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है, जिसको अपन एम टाइप मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये तो अपने पास अप्लाइड फील्ड के बेसिस पर ओ टाइप ट्यूब्स और एम टाइप ट्यूब्स होती है, लेकिन ट्रांजिट टाइम इंटरवल के बेसिस पर अपन माइक्रोवेव ट्यूब्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट ट्रांजिट इंट्रैक्शन ट्यूब्स मतलब ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम में जो अपन एक्शन फील्ड का इंट्रैक्शन है वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगा फॉर द मॉड्यूलेशन, जैसे क्लेस्ट्रॉन में होता है, तो उसको अपन शॉर्ट ट्रांजिट इंट्रैक्शन ट्यूब्स बोलेंगे। एक होती है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम है
वो खुद ट्रेवल रेट साथ में एप्लाइड साथ में इंटरेक्टिंग फील्ड के द्वारा क्या होता है, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब लॉन्ग टाइम तक इंटरेक्शन होता है, उसको अपन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब और शॉर्ट ट्रांजिट इंटरेक्शन ट्यूब में डिफरेंस हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है मैन, इसमें माइक्रोवेव ट्यूब का मैन ऑपरेशन यही है कि अपन एक इलेक्ट्रॉन गन लेंगे, उसे हाईली एसलेशन करवा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेंगे और उसका ब्रिलियंट फ्लो या फोक्सिंग प्रोड्यूस करेंगे, और फोक्सिंग प्रोड्यूस करने के बाद में उस ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम से इंट्रैक्शन करवाएंगे किसी फील्ड का फॉर द मॉड्यूलेशन, और वो चार या करंट मॉड्यूलेशन के द्वारा अपन हाई पावर की माइक्रोवेव सिग्नल्स का जनरेशन करेंगे। तो जहां ट्रांजिट टाइम इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ट्रेवलिंग ट्यूब में लॉन्ग टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अपन माइक्रोवेव ट्यूब को शॉर्ट ट्रांजिट इंट्रैक्शन ट्यूब और ट्रेवलिंग वेव ट्यूब इंट्रैक्शन करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने पास में क्या है, अपने पास मेन थीम क्या है, ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम। क्या अपन को ये माइक्रोवेव जो सोर्सेज या ट्यूब्स है इनका जो मेन पार्ट है वो है ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बीम को लीनियरली फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लीनियरली फ्लो में स्प्रेडिंग हो जाती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, मतलब चार्ज स्पेस चार्ज स्प्रेड हो जाता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो इंजेक्ट होती है उसको ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं, और उसमें स्प्रेडिंग हो जाती है, मतलब स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग बोल सकते हैं इसको, स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग, फैलाव होना। कभी स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग से मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बीम लीनियरली फ्लो न होकर इसके इलेक्ट्रॉन से एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इसको अपनी स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग कहते हैं। जबकि अपने परफेक्ट मॉड्यूलेशन और इंट्रैक्शन के लिए उसका ब्रिलियंट फ्लो होना जरूरी है। ब्रिलियंट फ्लो का मतलब होता है एक पार्टिकल के बाद में दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, ऐसा नहीं कि आपस में कोलिजन करके स्प्रेड हो जाए। तो ब्रिलियंट फ्लो करने के लिए अपन को बीम फॉक्सिंग की रिक्वायर्ड होती है, यहाँ स्प्रेडिंग चार्ज स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग की प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं, बीम फॉक्सिंग की रिक्वायर्ड क्यों हुई, स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग क्या होता है या स्प्रेडिंग ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, तीनों का आंसर एक ही टॉपिक में होता है। कि पहले सबसे ये पढ़ लेंगे ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, और अपन को यहां ये रिक्वायर्ड है किसके लिए, माइक्रो ट्यूब्स के लिए, क्योंकि माइक्रो ट्यूब का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंट्रैक्शन के द्वारा मॉड्यूलेशन करके हाई पावर के माइक्रो सिग्नल्स प्रोड्यूस करना, ये इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है। लेकिन उस ट्रेवलिंग एक इलेक्ट्रॉन बीम में एक अपने पास प्रॉब्लम सस्टेंड होती है, क्या होती है कि वो लार्ज हाई डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन बीम हाईली एसोलेटेड होकर जब हम प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें सेल्फ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में इलेक्ट्रॉन के सेल्फ इंट्रैक्शन से वो जो बीम है वो स्प्रेड हो जाती है, इसको स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग कहते हैं या स्प्रेडिंग ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। तो उसको अपन को लीनियरली ब्रिलियंट फ्लो करने के लिए अपन वहां एक मेथड अप्लाइड करते हैं जिसको बीम फॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो मतलब माइक्रो ट्यूब में सबसे मस्ट है ब्रिलियंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम या बीम फॉक्सिंग, किसका, ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम का। तो इलेक्ट्रॉन बीम कैसे प्रोड्यूस की जाएगी उसके बारे में तो अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां पर सिंपल सा मेथड है, हीटिंग इफेक्ट के द्वारा थर्मल कोयल से इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जा सकता है,
और वो थर्मल इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव द लो एनर्जी बट बाय द हाईली एक्सेलरेटेड वोल्टेज आर एक्सेलरेटेड एट द अप टू ए फाइनाइट एनर्जी. फाइनाइट एनर्जी तक एक्सेलरेटेड कर लेते हैं, देन वी गेट ए लीनियर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज नॉन द ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, बट बाय द म्यूचुअली इंट्रैक्शन आर स्पीड नॉट ब्रिलियंट फ्लो. सो टू गेट द ब्रिलियंट फ्लो या बीम फॉक्सिंग वी अप्लाइड ए मेथड, या जो अपने पास स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग प्रॉब्लम है उसको अपन रिसोल्व आउट करते हैं. तो फोर गेन बीम फॉक्सिंग या कंट्रोल द स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग या कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम वी अप्लाइड द मैग्नेटाइज्ड फील्ड अलोंग टू ट्रेवलिंग बीम या परपेंडिकुलर टू ट्रेवलिंग बीम. तो उसके बेसिस पर माइक्रोट्यूब को दो टाइप में बांटा गया है, ओ टाइप और एन टाइप. तो अपन पहले इसको ये प्रूव करें कि बीम फॉक्सिंग के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का अपन कंडीशन स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग को अपन मैथमेटिकली डिराइव करें कि वहां पर कितना फोर्स जनरेट होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, बीम स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ट्रेवलिंग बीम का इक्वेशन क्या होगा मैथमेटिकली. अपन क्या मान के चल रहे हैं कि सोर्स से इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गन से इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम एक फाइनाइट डायरेक्शन में फ्लो होती है तो वहां पर एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी. मतलब कैसे, मैं यहां एक एग्जांपल कि यहां पर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या होता है, यहां एक थर्मल कॉइल होती है जिसको किसी बैटरी के द्वारा हीटिंग की जाती है. हीटिंग करने से इलेक्ट्रॉन मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या थर्मली इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, सिंपल सा है. इसको अपन एक हाईली पोटेंशियल के द्वारा पॉजिटिव नेगेटिव हाई डीसी पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करके एक स्लिट में से, जो एक स्लिट है एस, उस स्लिट में से इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट की जाती है. यहां पॉजिटिव पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी के हैं वो एक्सेलरेटेड होंगे और इस स्लिट में से एक लीनियर बीम प्रोड्यूस हो जाएगी और इस सिस्टम को अपन इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं. इसकी वोल्टेज को जितना ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. और कितनी होती है, मैं यहां पर ड्राइव कर दूं कि अपने पास एक सिस्टम है, थर्मल इंडक्टर कोयल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, उनको हाईली पोटेंशियल के द्वारा एक्सेलरेटेड करके एक लीनियर इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस कर ली जाती है, जिसकी आफ्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम दिस डिवाइस या गन हैव द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ बीम. उस इलेक्ट्रॉन के पास में एक फाइनाइट वेलोसिटी होगी, वो किस पेंसिल पर होगी, मान लें कि V पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, देन गेन एनर्जी इज इक्वल टू EV इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे इलेक्ट्रॉन E कर दूं, V ये कैपिटल इज द पोटेंशियल डीसी इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां यूनिफॉर्म जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 EV/m√. मतलब ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. मतलब इस इलेक्ट्रॉन बीम में इस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोगेट विथ ए फाइनाइट वेलोसिटी इज गिवन बाय द √2 EV/m. V इज द पोटेंशियल ऑफ अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन गन, इसके द्वारा अपनी इसी वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स बीम प्रोड्यूस होगी, ट्रेवल होगी, ट्रेवलिंग बीम है ये, इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इमिट होके आई है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. क्यों, दिस ट्रेवलिंग बीम इज बिहेव एज ए लीनियर चार्ज लैम्डा, इलेक्ट्रॉनों का चेन डिस्ट्रीब्यूशन है,
तो इलेक्ट्रॉनों की एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूसली एक गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा गया तीसरा जाएगा, मतलब लीनियरली बीम है। तो इस मे बी टेक एज ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, मतलब रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो इसके रेडियल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ई, जिसको अपन 2λ/4πε0 एट आर, एट डिस्टेंस आर पर अपन नोट कर सकते हैं। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई कंपोनेंट, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के कारण। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जिससे स्प्रेडिंग हो जाएगी, मतलब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू दिस फील्ड फोर्स इलेक्ट्रॉन बीम स्प्रेडिंग इज नॉन द स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग, इसको स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग कहते हैं। तो मतलब क्लियर हो गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो इसको अपन को कंट्रोल करना है। तो ब्रिलियन फ्लो के लिए वन टू वन आफ्टर के बाद आपस में फ्लो नहीं हो, एक लीनियरली फ्लो के लिए बीम फॉक्सिंग कहते हैं उसको, कि अपन चाहते हैं कि जो रेडियल फोर्स है जनरेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल बाय द अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू ट्रेवलिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब इस ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड बाय द सोलेनोइडल लगा के, सोलेनोइडल फील्ड जनरेट करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन फोर्स को कैंसिल करके इसका लीनियरली फ्लो गेन कर सकते हैं। इस मेथड को बीम फॉक्सिंग कहते हैं। तो ब्रिलियंट फ्लो या बीम फॉक्सिंग या स्प्रेडिंग चार्ज का एक्सप्लेनेशन मांगे तो अपन को इसी टर्म में नोट करना है, ठीक है। ये समझ में आ गई थ्योरी अपन को, ये कहां पर रिक्वायर्ड है अपन को, माइक्रो ट्यूब्स में रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन गन से इमिट इलेक्ट्रॉन बीम का ट्रेवलिंग बीम की क्या करना, बीम फॉक्सिंग करना, वो बीम स्प्रेडिंग क्या होती है इसको अपने एक्सप्लेन करते हैं, जिसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये होता है। तो अब देखो अपन फोर्स ऑफ इक्वेशन निकालें, इसका स्प्रेडिंग इक्वेशन निकालें कि कितना फोर्स लगेगा, उसके बाद अपन मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके इसको कंट्रोल करेंगे। तो बीम इज ट्रेवल अलोंग टू जेड एक्सिस मान लेते हैं, विथ फाइनाइट वेलोसिटी वी ई, मतलब यहां मैं नोट नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन सारे फाइनाइट वेलोसिटी स्मॉल वी नोट, जिसकी वेलोसिटी अप्लाइड पोटेंशियल वी पर डिपेंड करती है। तो इसको अपन करंट डेंसिटी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, और वेलोसिटी वी नोट है, तो करंट आई नोट इज इक्वल टू, तो करंट आई नोट वैसे क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो अपने पास यहां चार्ज क्यों नहीं, लैम्डा डेंसिटी का चार्ज है, लैम्डा इंटू एल अपॉन टी, तो एल अपॉन टी को वेलोसिटी वी नोट से नोट कर सकते हैं, लैम्डा वी नोट। ये ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम इज इक्विवेलेंट एज ए करंट बीम ऑफ करंट आई नोट इज इक्वल टू लैम्डा वी नोट, और लैम्डा इज द गिवन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट, ठीक है। तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन एस डिस्टेंस एस पर मान लेते हैं, एस ये मान लो ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज एस डी एस अपॉन डी टी के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहां डी एस अपॉन डी टी, एस ट्रेवलिंग डिस्टेंस है भाई, इजकल टू इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, रेडियल पार्ट के कंपैरिजन में एक्सियल मोशन का, इसमें दो टाइप की मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कौन कौन सी, एक एक्सियल मोशन हो रही है और एक रेडियल मोशन हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर जिसको स्प्रेडिंग कहते हैं। तो अपन को रेडियल मोशन को रिड्यूस करना है और एक्सियल मोशन को रिमेनिंग रखना है। तो एक्सियल मोशन तो अलोंग टू जेड एक्सिस होगी, और जबकि रेडियल मोशन अलोंग टू परपेंडिकुलर, तो एस डी टी अपॉन डी टी एंड रेडियल मोशन इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इसको अपन दोनों पार्ट पर डिवाइड करते हैं कि जेड के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालने के डी जेड और डी जेड अपॉन डी टी लिख लें, ठीक है। तो अपने पास डी एस अपॉन डी टी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए, तो डी अपॉन
डी टी डी एस अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी टी। तो मतलब इसको अपन यूवी फॉर्मूले से एक बार अपन डी जेड डी एस अपॉन डी जेड पूरे लिख लेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी। तो डी एस जेड और डी जेड दोनों का पार्शियल डिफरेंशियल डी जेड और डी टी। अपने पास डी जेड अपॉन डी टी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी नॉट गिवन है और जेड स्क्वायर डायरेक्शन अपन मोशन किस में चाहते हैं डी एस स्क्वायर। तो फोर्स डी एस अपॉन डी जेड मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में वेरिएशन है। तो अपने पास डी एस अपॉन डी जेड तो है परपेंडिकुलरली वेलोसिटी कंपोनेंट, डी जेड स्क्वायर डी टी स्क्वायर लीनियरली एक्सेलरेशन है तो लीनियरली एक्सेलरेशन तो जीरो है अपना कि फॉर द यूनिफॉर्म बूलियन फ्लो डेल डेट टी स्क्वायर इजकल टू जीरो पहले तो ये नोट कर लेते हैं। बट डी जेड अपॉन डी टी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी नोट इसके लिए ये सही होगा। तो अपने पास यहां डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू चाहे इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर एस डेल जेट डेल टी और इसको अपन वी नोट से नोट कर सकते हैं किसको डी जेट अपॉन डी टी। इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गए। अब अपने पास ये जो लेफ्ट साइड की टर्म है एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एक्सेलरेशन है ये ठीक है। तो रेडियल फोर्स कौन सा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मतलब रेडियल एक्सेलरेशन मैं ए आर नाम दे दूं इसको जिसको डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर लिख रहे हो रेडियल एक्सेलरेशन है। तो रेडियल फोर्स अपॉन एम और रेडियल फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ई ई अपॉन एम और ई अपॉन ई एम है वो अपने पास क्या है ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां से लिख सकते हैं टू लैम्डा तो ई ई लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एम ठीक है। ये रेडियल डायरेक्शन आर का है लैम्डा की वैल्यू चाहे करंट आई नोट के टर्म में लिख सकते हैं या लैम्डा इजकल टू आई नोट अपॉन वी नोट लिख सकते हैं। तो अपने पास आ गया मैं इस इक्वेशन से लिख रहा हूं यहां कि डेल स्क्वायर एस डेल जेट डेल टी इजकल टू टू ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। यह लैम्डा की जो वैल्यू है वो आई नोट 2e लैम्डा की जगह अपन लिख सकते हैं आई नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी नोट अपॉन आर ठीक है। तो अपने पास एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसका अपन सॉल्यूशन किस मेथड से इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा अपन सोल्व कर सकते हैं एक बार टी के रेस्पेक्ट में और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में।
तो अपन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं जो अपने पास एक रेडियल के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, जो अपने पास एस मतलब स्प्रेडिंग पार्ट जो एस है उसकी जो वैल्यू है वो अपने सॉल्यूशन में आई नोट और वी नोट का आर में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आर तो है रेडियल डिस्टेंस, जैसे अपने पास एक्सियल डिस्टेंस से डिस्टेंस बढ़ती है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू माननी थी। आई नोट क्या है इसकी, करंट मतलब स्प्रेडिंग जो करंट अपने पास है। वी नोट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से आई नोट वी आर प्रोपोर्शनल है, स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग जो सॉल्यूशन अपन निकालते हैं ये वी नोट पर डिपेंड करता है, आई नोट पर डिपेंड करता है और आर पर डिपेंड, मतलब वी नोट अपॉन आई नोट इज फंक्शन ऑफ आर, इज डिपेंड ऑफ आर। मतलब यहां कोई फंक्शन होगा आर का, तो ये जो रेडियल स्प्रेडिंग है पार्ट वो टाइम टी के साथ अपन टाइम फैक्टर सॉल्यूशन निकालें और आर के साथ में आई नोट और वी नोट का टी के साथ में अपन टाइम के साथ स्प्रेडिंग निकालें तो जो डिस्टेंस है स्प्रेडिंग वो इंक्रीज होती है। ये बताते हैं कि इस टाइप से टाइम के साथ अपने पास क्या होती है, स्प्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉन बीम जैसे जैसे इंजेक्ट, अपने पास क्या होती है आर, मतलब ये आर फैक्टर है वो क्या करता है अपने पास टाइम के साथ में इलेक्ट्रॉन बीम को स्प्रेडेड करता है। तो अपन चाहते हैं ब्रिलियंट फ्लो, तो अपने यहां स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के द्वारा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम को जब हाईली एक्सेलरेटेड लेको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड करते हैं तो उसमें जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन बीम या स्पेस चार्ज जो स्प्रेड हो जाता है तो उसके द्वारा अपना जो मॉड्यूलेशन है वो इफेक्टेंस होता है और उस स्प्रेडिंग को अपन क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये स्प्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक मैग्नेटिक फ्रिस लगाते हैं अलोंग टू एक्सियल या प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम यूजिंग द सोलेनोइड ऑफ इट्स एक्सिस अलोंग टू ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो इस साइड में अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट हो रही है तो इसके चारों एक सोलेनोइडल लगाते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड बी नोट जनरेट कर देते हैं। तो उस जनरेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इस टाइप से सेट करते हैं कि वो जो इसके रेडियल वेलोसिटी है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, स्पीड हो रहा है वी आर, रेडियल वेलोसिटी क्या है वी आर, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड करेगा एफ वी जो क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो ये तो एक्सियल है और ये रेडियल है, क्रॉस 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन वी आर बी नोट के द्वारा एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर लेते हैं और ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कंट्रोल कर लेता है। टोटल फोर्स ऑन द बीम इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता है, ई ई मतलब रेडियल डायरेक्शन में है वो, प्लस ई वी आर बी नोट, डायरेक्शन सेट एस आर कैंसिल ईच अदर मतलब टैक्स टू जीरो। तो मतलब एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बाय द यूजिंग द सोलेनोइडल, लेकिन इस सोलेनोइडल का जो शेप है वो अपन किस टाइप से करें कि जो स्प्रेडिंग है वो टाइम के साथ जो अपने पास स्प्रेडिंग का जो आई नोट है वो स्पेस के साथ क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि उसमें एस स्प्रेडिंग है वो डिपेंड ऑन द फंक्शन डी जेड और डी टी, टाइम का है और स्पेस मतलब ट्रेवलिंग डिस्टेंस का भी है। तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस के साथ में चेंज होती है तो अपने सोलेनोइडल का जो फॉर्म है वो अपने पास यहां जो ये ट्यूब में, यह मान लो कि यहां इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम अपने पास कोई कैचर में जा रही, केविटी में जा रही है, ठीक है। तो यहां पर अपन सोलेनोइडल फॉर्म की शेप को, ये सोलेनोइडल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस टाइप से अप्लाई करते हैं, सोले नोइडल मैग्नेटिक फील्ड वो ब्रिलियंट फ्लो के लिए कि अपने पास सेम यूनिफॉर्मली नहीं है, जहां पर स्प्रेडिंग होती है तो मैग्नेटिक फील्ड का साइजिंग एलिमेंट इस टाइप से करते हैं कि वो कंप्लीटली ब्रिलियंट फ्लो हो, बीम फॉक्सिंग हो।
इसलिए वो वेरिएशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का, वो अपन इस इक्वेशन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि जेट और टी के साथ स्प्रेडिंग कंट्रोल होती है। तो अपन इस टाइप के अरेंजमेंट को, कभी क्वेश्चन आए दो तीन टाइप से क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर अपने पास प्रीलिम फ्लो सेटअप का ये है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द चार्ज स्पेस चार्ज स्प्रेडिंग इन ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, या स्प्रेडिंग एक्सप्लेन द स्प्रेडिंग ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, या पूछ ले एक्सप्लेन द बीम फोकसिंग ऑफ द ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उस पहले अपन थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, रिक्वायर्ड क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस की जाती है, फिर उसका रेडियल जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो नोट करके, और उसके बेसिस पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बीम फोकसिंग का अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है कि कंप्लीटली ब्रिलियंट फ्लो जाता है, उसको अपन बीम फोकसिंग ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। ये अपना एक बेसिस है किसका, माइक्रोट्यूब का, कि माइक्रोट्यूब दो टाइप की होती है लेकिन दोनों में ही बीम फोकसिंग की रिक्वायर्ड होती है, चार्ज स्प्रेडिंग होती है जिसका रीजन भी अपन ने क्लियर कर दिया, और उस स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, कुछ टाइप्स की ट्यूब होती है उसमें अलोंग टू एक्सियल या डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम लगाया जाता है, वो तो होती है ओ टाइप माइक्रोट्यूब्स, और जिसमें परपेंडिकुलर होती है क्रॉस फील्ड होता है उन वो कहते हैं एम टाइप ट्यूब्स। तो अब अपने पास एक स्पेशल टाइप का जो ओ टाइप ट्यूब्स हैं उसके अंदर एक क्लिस्ट्रॉन, मैं टॉपिक ले रहा हूं माइक्रो ट्यूब का एग्जांपल है क्लिस्ट्रॉन, बस क्लिक हुए क्लिस्ट्रॉन KLYSTRON क्लिस्ट्रॉन जो एक ओ टाइप माइक्रोवेव ट्यूब है, ठीक है, जिसको अपन माइक्रोवेव माइक्रोवेव सोर्स या जनरेटर एम्पलीफायर के रूप में यूज करता हूं, एज ए जनरेटर एज ए एम्पलीफायर ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स, मतलब माइक्रोवेव माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाली एक ओ टाइप माइक्रोवेव ट्यूब है जिसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, वो एक करंट मॉड्यूलेशन या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन बाय ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब ऑपरेशन बाय ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम गेट वेलोसिटी एंड करंट मॉड्यूलेशन टू इंड्यूस माइक्रोवेव सिग्नल्स। अब इज ऑपरेट ऑन द करंट एंड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इज गेट बाय ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब बीम फॉक्सिंग भी इसमें अरेंज करेंगे, मतलब वो टाइप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा के बीम फॉक्सिंग तो कर ही लेंगे, बाद में उसका शॉर्ट टाइम ट्रांजिट इफेक्ट, हाँ इसमें भी दो टाइप ट्रांजिट इज ए शॉर्ट टाइम इंट्रैक्शन ट्यूब है ये, इसमें मतलब तो ट्रांजिट टाइम है वो वेरी शॉर्ट होता है, द शॉर्ट टाइम इंट्रैक्शन ट्रेवलिंग बीम है ये, लॉन्ग टाइम ट्रेवलिंग वेव जो ट्यूब होती है उसमें कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बाय दिस शॉर्ट टाइम इंट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन फॉक्सिंग बीम है वो क्या होती है मॉड्यूलेटेड हो जाती है, इसमें दो
करंट मॉड्यूलेशन या उसको कहते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, जिसके द्वारा बंचिंग गेट की जाती है और बंचिंग से हाई एनर्जी पावर गेन किया जाता है, ये इसका मेन बेसिस प्रिंसिपल होता है। क्लिस्ट्रॉन इसके पार्ट क्या होते हैं और एक कैसे वर्क करता है, तो ये भी दो टाइप के होते हैं, टू केविटी क्लिस्ट्रॉन और एक रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, टू केविटी क्लिस्ट्रॉन और दूसरा है सिंगल केविटी क्लिस्ट्रॉन या रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ये दो टाइप के क्लिस्ट्रॉन, टू केविटी क्लिस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। टू केविटी या सिंगल केविटी क्लिस्ट्रॉन भी कहते हैं, लो पावर क्लिस्ट्रॉन होता है ये, हाई पावर क्लिस्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत कम होती है, लेकिन ये कन्वेंशनल होता है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, यूज किया जाता है। इसका राडार में मल्टी कम्युनिकेशन में, जो हाई कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, राडार में यूज किया जाता है हाई एफिशिएंसी या हाई जो अपने पास पावर का डिवाइस होता है, इसको टू केविटी क्लेस्ट्रॉन यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर लॉसेज फैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, ये अपने पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। दोनों का सेपरेटली टाइप फॉर्म में क्वेश्चन आता है, एक सिंगल केविटी टाइप क्लेस्ट्रॉन के ऊपर, एक टू केविटी क्लेस्ट्रॉन पर। क्लेस्ट्रॉन का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो मैंने बता दिया, दोनों का ही वेलोसिटी करंट मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वेलोसिटी करंट मॉड्यूलेशन के ऊपर ही दोनों वर्क करेंगे। तो मैं आज इसका मैं एक में पहले अपन टू केविटी क्लिस्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, वेलोसिटी करंट मॉड्यूलेशन इज गेट बाय द शॉर्ट ट्रांजिट इंट्रैक्शन ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन बीम। तो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट होंगे टू केविटी क्लिस्ट्रॉन में, जो सबसे किसी भी माइक्रोवेव ट्यूब का जो सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन। इसे ब्लॉक डायग्राम में बनाऊं तो मैं इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन की जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको अपन एक केविटी में, दो केविटी उसमें केविटी होती है, टू प्लेट स्पेस, दो प्लेटों के बीच का एक स्पेस होता है जिसमें इंट्रैक्शन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से जब पास होती है तो वहां पर उसका क्या होगा, एप्लाइड फील्ड के द्वारा जो सिग्नल्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होंगे अपने पास, अल्टरनेटिव सिग्नल्स होंगे या वेरिएबल अल्टरनेटिव पोटेंशियल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम इंजेक्ट होगे, उसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो वहां अपन पास इस फ्री स्पेस में क्या होगी, मॉड्यूलेशन होगा। फिर मॉड्यूलेशन होने के बाद में बंचिंग गेट की जाएगी, तो केविटी, तो फर्स्ट केविटी इसको अपन कहते हैं, एक बंचिंग केविटी और एक होती है कैचर केविटी, ये हो गई बंचिंग केविटी, ठीक है, जिसके अंदर, या मैं नाम दे दूं किस क्या चीज आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इंजेक्ट किए जाते हैं मॉड्यूलेशन के लिए, इंट्रैक्शन के लिए विथ लो पावर, लो पावर के हैं। यहां अपने पास एक एक्शनल सर्किट होता है जिसमें हाई पावर के रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल गेन किए जाते हैं, ठीक है। और इस केविटी को कैचर केविटी कहते हैं, टू प्लेट का ही होता है। बाद में अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन बीम के लिए एक रिफ्लेक्टर प्लेट होती है, रिपेलर प्लेट। तो वोल्टेज रिपेलर का मतलब वहां वोल्ट इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट के रूप में, यहां रिपेलर तो था उसमें रिफ्लेक्स स्टोन में होती है, कलेक्टर प्लेट होती है, यहां वो रिफ्लेक्स में होती है,
कलेक्टर प्लेट, मतलब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल ट्रम होती है। ये इसके मेन दो पार्ट, दो केविटी होती है, लास्ट में कैचर केविटी जिसको अपन सॉरी लास्ट में अपन कलेक्टर प्लेट होती है जो अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन बीम के इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेती है। यहां पर पावर डीसी पावर सप्लाई कहां होती है, डीसी पावर सप्लाई होती है इसमें, और अपन लो पावर के, ये लो पावर के हैं, सिग्नल्स को हाई पावर पर एम्पलीफाइड कर लेते हैं, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गेन कर लेते हैं, और इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इट आल्सो सेट इन द माइक्रो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये जो अपन यहां केविटी का मतलब दो प्लेट का कॉम्बिनेशन हुआ, बीच में डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, और दोनों प्लेट्स पर यहां पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है जिससे इंजेक्ट वाली जो वेव है उसमें मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो यहां ये फ्री स्पेस उसमें मॉड्यूलेशन होता है, और मॉड्यूलेशन कंप्लीट होने के बाद में यहां टू प्लेट केविटी होती है, वहां पर उसकी एनर्जी को कैच कर लिया जाता है बंचिंग होने के बाद में, इसलिए को कैचर केविटी और इसको बंचर केविटी कहते हैं। और ये बंचिंग केविटी की एनर्जी हाई होती है जो एक्शन सर्किट में गेन कर ली जाती है, फिर अनयूजेबल जो इलेक्ट्रॉन स्लो हो गए इलेक्ट्रॉन्स उनको वापस कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर प्लेट का अरेंजमेंट होता है। ये एक टू केविटी क्लेस्ट्रॉन का स्केच डायग्राम है, ठीक है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं एक हाई एनर्जी पावर जनरेट करेंगे जो एक ओ टाइप का माइक्रोवेव ट्यूब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या होगा, क्या क्या पावर होता है, थर्मल कॉइल होती है, एक हाई एसिलेटेड हाई वोल्टेज अरेंजमेंट होगा, और यहां पर इस पूरे सिस्टम पर बीम फॉक्सिंग के लिए एक सोलेनोइडली एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाएगा जो बीम फॉक्सिंग का काम करेगा, ठीक है। तो यहां इनपुट इसमें क्या देंगे, इसको अपन एक ऑसिलेटर एज ए माइक्रोवेव ऑसिलेटर भी कहते हैं, एज ए माइक्रोवेव ऑसिलेटर भी बोला जाता है, जो एम्पलीफायर भी बोलते हैं, जिसका रीजन बता दे माइक्रो लो पावर के सिग्नल्स का हाई पावर सिग्नल पर गेन करते हैं, एज ए माइक्रोवेव जनरेटर भी बोला जाता है। माइक्रोवेव जनरेटर का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज माइक्रोवेव रेंज में होने से यहां इनपुट तो अपन डीसी दे रहे हैं लेकिन माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट होंगे। दूसरा ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मीनिंग होता है डीसी को एसी में, तो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एसी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, जबकि इसमें इनपुट क्या देंगे अपन, केवल ऐसा तो कोई नहीं है कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करेगा, यहां अपन को इसमें लॉस करना करेगा डीसी पावर, डीसी पावर सप्लाई देंगे और आउटपुट में अपन कंटिन्यूसली एसी सिग्नल जनरेट होंगे, लेकिन कंटिन्यूसली टू केवीटी में नहीं, रिफ्लेक्स स्ट्रोन में नहीं, एक कंटिन्यूसली सिग्नल गेन करने के लिए इनका जो टाइम इंटरवल है वो काफी अपने पास शॉर्ट होता है। तो अपने पास एक हाई पावर का कंटिन्यूसली पावर जनरेट करने के लिए अपन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब या अपन मैग्नेट्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वर्किंग और प्रिंसिपल, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने पास यहां पर मैंने जो कंपोनेंट्स का ब्लॉक डायग्राम बनाया इसके बारे में मैं यहां पूछ रहा हूं, कल मैं इलेक्ट्रॉन गन का अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो केविटी बनाएंगे, एक कलेक्टर बनाएंगे, कौन कौन से सर्कल एडिशनल होते हैं, बाद में इसका आउटपुट का जो फॉर्मूला अपने को दो, आउटपुट यहां करंट मॉड्यूलेशन के रूप में इसका एनालिसिस करेंगे, तो वेलोसिटी करंट मॉड्यूलेशन से पावर एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। तो कल अपन नेक्स्ट क्लास में टू केविटी क्लेस्ट्रॉन सिंगल केविटी क्लेस्ट्रॉन रिफ्लेक्ट, इसमें टू केविटी है उसमें जो प्रॉब्लम है सिंगल केविटी क्लेस्ट्रॉन का एनालिसिस के बेसिस पर है, ठीक है, आज की क्लास में इतना है, ओके थैंक्स।